जानकी आंगन में बैठी हुई फोन चला रही। दूसरी तरफ जानकी की बहू चंदा आंगन में ही मिर्च में मसाले भर रही होती है। अरे बहू, अचार की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। वैसे ये सब तूने अब आंसे सीखा होगा। चलो अच्छा है, इतने समय बाद किसी को तो अचार बनाना आता है। अच्छा माँ जी, आपको भी अचार बनाना नहीं आता है क्या? अरे मुझे क्या, मेरी सास को भी अचार बनाना नहीं आता था और मेरी सास की सास भी अचार बनाना नहीं जानती थी, लेकिन घर में सबको अचार खाने का शौक बहुत है। चल अब तू आ गई है, कम से कम अचार खाने को मिलेगा हम सबको। अच्छा ऐसा क्या माँ जी, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तो हर तरह का अचार बनाना आता है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे मिर्च का अचार बहुत स्वाद लगता है। ये सब मेरी दादी ने मुझे सिखाया है। बचपन में तो मैं सूखी रोटियों के साथ अचार ही खा जाया करती थी। चल अच्छा है बहू, मुझे तो इस बात की खुशी है कि बेशक तेरे माँ बाप ने दहेज कुछ नहीं किया हो, लेकिन बेटी तो सर्वगुण संपन्न है। माँ जी आप भी ना, अब मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ, बस काम तो मैं घर की सभी कर लेती हूँ। जानकी और उसकी बहू चंदा दोनों बातें कर रहे थे, तभी वहाँ जानकी की पड़ोसन कमली का आना होता है। क्या बात है जानकी, बहू के आते ही उसे अचार बनवा रही हो? चलो अच्छा है, अब तो अचार खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे कमली, बहू ये अचार अपने मायके के लिए बना रही है, यहाँ के लिए नहीं। तो अच्छा है जो तू अचार बाहर खरीद रही है वही खरीद। अरे मैं भी तो देखूं आखिर बहू अचार बनाती कैसा है। इतना बोलकर कमली एक मिर्च का अचार उठाकर अपने मुंह में रख लेती है और अचार को खाते हुए उसका स्वाद लेती है और जानकी से कहती है, क्या अचार बनाया है, आखिर तो मजा ही आ गया। अब तो जब भी ये अचार से तैयार हो जाएगा तो और भी अच्छा लगेगा। सच कहूं जानकी, मेरी दादी सास ऐसा ही अचार बनाया करती थी। तेरी बहू के अचार ने तो मुझे आज सालों बाद अपनी दादी सास की याद दिला दी। अरे लगता है अब तो मुझे ये अचार भी बक्से में रखना पड़ेगा, क्योंकि तूने जो देख लिया कहीं तू चोटी है चोरी ना कर ले। अरे तू भी कैसी बातें कर रही है जान, मैं कौन सा तेरा सारा ही अचार तुझसे मांगती हूँ। मैं तो बस स्वाद के लिए थोड़ी सी अचार की उम्मीद ही ना करूँगी तुझसे। लेकिन ठीक है, अब ये भी तुझसे नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं। अरे कमला काकी बनाने दो, फिर मैं खुद आपके घर कटोरा भर के अचार भिजवा दूंगी। कमली के जाने के बाद जानकी अब बहू चंदा की तरफ देखते हुए कहती है, अरे बहू तुझे इस घर में आए हुए अभी एक महीना भी ठीक से नहीं हुआ है, और तू कमली को कितना ही जानती है, मुझसे ज्यादा तो कमली को कोई नहीं जान सकता। अरे कोई जरूरत नहीं है उसे अचार देने की, उसकी बहू को भी तो मुरब्बा बनाने आता है, लेकिन कभी देख कर गई क्या? अरे आज तक पूछा तक नहीं कि चक्कर देख ले जान। जी माँ जी जैसा आप कहें। ना जान आपका क्या ही चल रहा है उनके साथ, सास बहू पड़ोसन और साजिश, ऐसा लगता है जैसे कोई नाटक देख रही हूँ। क्या कहा बहू तूने? माँ जी यही, ये इन मिर्च के अचार को मैं धूप में डालकर आती हूँ। चंदा सास को इतना कहकर मिर्च का अचार लेकर छत पर रख देती और अपने घर के कामों में लग जाती। हालांकि जानकी के घर की छत और कमली के घर की छत दोनों मिले हुए थे, जिस वजह से जब देर शाम कमली की बहू राखी अब छत से कपड़े लेने आती तो उसे अचार की खुशबू आती है। अरे ये अचार तो बहुत स्वाद लग रहा है, कहाँ से आ रही है ये अचार की खुशबू? माँ जी तो आलू की सब्जी भी ढंग से नहीं बना पाती, तो ये अचार कहाँ से बनाए? लगता है ये खुशबू जानकी काकी की छत से आ रही है। अब जब राखी जानकी की छत पर झांकती है तो उसे एक कोने में मिर्च के अचार से भरी हुई बर्नी दिखती है, जिसमें से मिर्च का अचार राखी निकाल कर खाने लगती है। अरे अरे क्या अचार बनाया है, अगर तो तन बदन धन्य हो गया। एक दूसरे मेरा क्या होगा, फिलहाल मेरी जैसी हालत है, मुझे ये मिर्च के अचार पूरी बर्नी लगेगी। इतना कहने के बाद राखी चंदा के बनाए मिर्च के अचार को अपने घर ले आती और उसे धूप में रख देती है। इधर चंदा देर शाम अपनी सास जानकी से अचार के बारे में पूछती है, माँ जी आपने छत पर रखा मिर्च का अचार उठाया था क्या?
अरे मैं तो सीढ़ियों पर एक बार चढ़ जाऊं तो मुझे उतरने में साल लग जाए, और तू कह रही है कि मैंने मिर्च उठाई है क्या? अरे नहीं नहीं बहू, मैं तो छत पर गई तक नहीं। लेकिन माँ जी, मैं तो अभी अभी देख कर आ रही हूँ, छत पर तो मिर्च का अचार नहीं है, लगता है कोई उठा कर ले गया। अरे क्या बात कर रही है बहू, जरूर कमली की नीयत खराब हो गई होगी अचार की खुशबू से, और वो ही अपनी छत पर किसी काम से आई होगी तो जरूर उठा कर ले गई होगी तेरे मिर्च का अचार। तभी तो मैं कह रही थी कि तू उसे अभी जानती ही कितना है। माँ जी अगर ऐसा है तो मैं उनसे लड़ पाऊंगी? क्या तरीका है माँ जी अचार मांगने का, मैं क्या करूँ? शाम होते ही अचार चोरी कर लो ना। अरे बहू तू कमली की बात कर रही है, कमली की बहू भी कमली की तरह ही हो गई है, वो भी छत से कुछ ना कुछ उठा कर ले जाती, मैंने तो एक दिन उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। क्या ले जा रही थी माँ जी कमली काकी की बहू? अरे बताऊंगी तो तुझे भी बहुत हंसी आएगी, तेरे पति की चड्डी लेकर जा रही थी, वो भी जिसमें जगह जगह छेद था। अरे माँ जी अच्छा हुआ आपने बता दिया, ये तो बड़ी गंभीर चोरनी है। चलो कोई बात नहीं, कल तो मैं कमली काकी से बात कर ही लूंगी, लेकिन अब मुझे नहीं चाहिए कमली काकी से वो अचार, मैं खुद ही दोबारा बना लूंगी। अब अगले दिन सुबह घर का सारा काम करने के बाद चंदा मिर्च काटकर उसमें मसाले भर रही होती, तभी फिर से कमली का आना होता है। कमली को देखकर जानकी कमली से कहती है, अरे मुई कमली तुझे शर्म नहीं आती मेरे घर से मिर्च का अचार चुराते हुए? अरे मैं तो तुझे अचार देने के लिए बहू से कह ही चुकी थी, लेकिन तुझे तो थोड़ा भी सब्र नहीं है। हाँ कमली काकी ये बात तो मुझे भी बुरी लगी, कल ही मैंने आपको कहा था कि अचार बन जाएगा तो मैं आपके घर भिजवा दूंगी, लेकिन नहीं आप तो अचार की पूरी बर्नी ही चुरा ली। अरे मुझे बोलने भी तो दो, तुम दोनों ही बोले जा रही हो, भला मैं कच्चे मिर्च के अचार को चुरा कर करूंगी क्या? अरे कुछ भी कह ले कमली, एक तो चोरी करती है ऊपर से सीना जोरी करती है, मुझे तेरी आदत बिल्कुल पसंद नहीं। अरे देख जान मैं सच कह रही, तू मेरी बात पर विश्वास भी तो कर, हो सकता है मेरी बहू को अचार तो लग गई हो, और वो अचार का कीड़ा है कीड़ा, और उसकी जो हालत है अभी उसका अचार खाने का मन करता है। अरे कमली क्या बात कर रही है, तेरी बहू पेट से है क्या? तूने तो मुझे बताया तक नहीं, अभी अचार का मुद्दा छिड़ा है तो तू कह रही है कि तेरी बहू की ये हालत है। जानकी और कमली में काफी देर तक बहस चलती है, लेकिन चंदा वहीं बैठकर अचार बना रही होती है, और कुछ देर बाद वो उन अचार को छत पर सुखने के लिए डालती है, लेकिन इस बार वो अचार को दूसरे कोने डालकर आती है जहाँ से कमली की छत दूर। अब देर रात को, बहू सोती क्यों नहीं है? लगता है अब तक तेरा अचार तैयार नहीं हुआ है, तुझे नींद नहीं आएगी क्या जब तक वो तैयार ना हो? क्या कर रही है अचार के लिए इतना सब? माँ जी अचार नमक डालना भूल गई, बस वही डालने जा रही थी, मैं तो जाकर सो गई थी, लेकिन जब मेरी नींद खुली तो याद आया कि मैंने अचार में नमक डाला। अरे बहू रात के 2 बज रहे हैं, जा जाकर सो जा, जो करना है सुबह कर लेना। जानकी इतना कहकर अब कमरे में चली जाती और चंदा अचार में नमक डालकर उसे मिलाने लगी, लेकिन तभी अचार का बर्नी नीचे गिर जाता है और अचार बिखर जाता है, जिसे चंदा अपने हाथों से चुनते हुए इकट्ठा करने लगती है। सत्यानाश हो गया, कमली काकी की नजर कितनी गंदी है, इस अचार को भी बर्बाद कर दिया उन्होंने तो। चंदा अचार चुन रही थी तभी पीछे से किसी के जाने की आहट होती है, चंदा पीछे मुड़कर देखती है तो उसे उसकी सास के कमरे में कोई जाता हुआ दिखता है। माँ जी तो 5 पहले ही सो गई, तो अब उनके कमरे में कौन गया है? उनकी नींद तो खुल नहीं सकती, अभी तो खराटे ले रही थी जब ऊपर आई और आवाज भी आ रही थी, तो आखिर माँ जी के कमरे में गया कौन है? इतना बोलकर चंदा सास की तरफ बढ़ती, हाथों में मिर्च के अचार का मसाला सना हुआ था, और चंदा अपनी सास जानकी के कमरे में जाती, तभी वो देखती है कि चेहरे को ढके हुए एक आदमी जानकी के कमरे में इधर उधर सामान तलाश रहा था। कौन हो तुम और माँ जी के कमरे में क्या कर रहे हो? माँ जी जल्दी उठिए, आप कमरे में चोर घुस आया है, माँ जी जल्दी उठिए। अरे अरे कहाँ है चोर चोर, अरे मुझे बचा बहू, बहू मुझे बचा ले। चोर चंदा की बात सुनता है और वो जानकी की गली पर चाकू लगा देता है, जानकी भी घबरा जाती है और चंदा भी चोर से घबराती हुई कहती है, देखिए आपको जो लेना है ले जाइए, लेकिन मेरी माँ जी को छोड़ दीजिए, ये लीजिए मेरा मंगलसूत्र और ये मेरी अंगूठी,
अरे बहू ये क्या कर रही है तू, तुझे पता भी है कितना महंगा है तेरा मंगलसूत्र। तेरे बाप ने तो मेरे बेटे को एक सोने की अंगूठी तक की और तू इतना महंगा गहना इस चोर को दे रही है। मुझे जान रहेगी ना तो फिर कमा लेंगे, अभी तो कम से कम इससे बचा जाए। चोर भी जैसे ही बिस्तर से गहने उठाने चुकता है वैसे ही धंधा मिर्च वाले हाथ को चोर के चेहरे पर रगड़ देती। चोर की भी आँख जब लाल हो जाती क्योंकि उसे आंखों में मिर्ची लगने लगती तो वो तिल मिलाने लगता है। इतनी ही देर में जानते हो चंदा चोर को मारने लगी। चोर को मार कर उसे चोर मचा देती। आस पड़ोस के लोग भी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। अरे क्या बात है जानकी, तूने तो बड़ा बहादुरी का काम किया है चोर को पकड़ कर। अब इसके अच्छे से कुटाई करते हैं, उसके बाद पुलिस को देंगे। वैसे भी मोहल्ले में बहुत चोरी हो रही थी और वो सब यही बातों कर रहा था। अरे ये सब तो मेरी बहू ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया। अगर बहू अपने मिर्ची वाले हाथों से इसे मिर्च ना लगाती तो ये तो आज घर से सोना चांदी और साथ में च्यवनप्राश भी लेकर उड़ जाता। चोर को मारने के बाद मोहल्ले के लोग पुलिस को बुलाते हैं और चोर को पुलिस के हवाले कर देते हैं। हालांकि जानकी अपनी बहू की अचार की बहुत तारीफ करती है, साथ ही चोर को सबक सिखाने के लिए सब उसकी तारीफ करते हैं। और जब पूरे मोहल्ले में जानकी की बहू के अचार की तारीफ होती है तो हर कोई उसे अचार बनाने का ऑर्डर देने लगता है। धीरे धीरे अब जानकी की बहू अचार का काम शुरू कर देती है और आस पड़ोस और मोहल्ले वालों में अचार की बर्नियां बनाकर तरह तरह का अचार भी उन्हें सप्लाई करने लगती है। लेकिन उसका मिर्ची का अचार हमेशा ही मशहूर रहता है और हमेशा ही उसके मिर्ची के अचार की बहुत बिक्री होती है। बबली, उसकी माँ चंदा और उसका छोटा भाई राजू विलासपुर नाम के एक गांव में छोटे से मिट्टी के घर में रहा करते थे। उनका कोई अपना नहीं था। चंदा लोगों के घरों पर काम करके अपने दोनों बच्चों को पाल रही थी। एक सुबह चंदा काम पर निकल रही थी तभी राजू उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अरे राजू बेटा, ऐसे क्यों खड़ा हो गया, हट सामने से, मुझे काम पर जाने दे, देरी हो रही है। माँ, ये तंदूरी रोटी क्या होती है? तंदूरी रोटी? माँ, वो कल ही अपने दोस्त के घर गया था तो वहाँ इसने तंदूरी रोटी खाई, उसके बाद से अब इसे तंदूरी रोटी ही खानी है। हाँ माँ, मुझे तंदूरी रोटी खानी है, आप बना दो ना, मेरा बहुत मन कर रहा है। बेटा, तंदूरी रोटी तो तंदूर में बनती है और हमारे पास कहाँ तंदूर, एक बार पगार मिल जाए ना तो तुझे बाहर से खिलाऊंगी तंदूरी रोटी। नहीं माँ, मुझे आज ही खानी है, बहुत मन है मेरा। राजू अपनी जिद पर अड़ जाता है और चंदा का रास्ता ही नहीं छोड़ता। तभी चंदा उसे प्यार से समझाते हुए कहती है, राजू बेटा ऐसी जिद नहीं करते, ठीक है मैं आते हुए तेरे लिए तंदूरी रोटी लेकर आऊंगी, खुश? सच माँ, लेकिन भूलना मत और जरूर लेकर आना। हाँ हाँ नहीं भूलूंगी, अब मुझे जाने दे बेटा, देरी हो रही है। चंदा राजू को समझा कर घर से निकल जाती है और सारे दिन कड़ी मेहनत करती है और शाम को वो अपनी मालकिन से थोड़े पैसे मांगती है और घर आते हुए एक ढाबे से चार तंदूरी रोटी पैक करवा कर लाती है और खुशी खुशी घर आ रही होती है। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी उसे कुचलती हुई चली जाती है और वो खून से पूरी तरह लथपथ सड़क पर बेहोश हो जाती है। आस पड़ोस के लोग उसे जैसी तैसी अस्पताल पहुँचाते हैं लेकिन अस्पताल पहुँचने से पहले ही उसका निधन हो जाता है। बबली और राजू अनाथ हो गए थे, उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। माँ, माँ तुम क्यों हमें छोड़कर चली गई? माँ, राजू माँ अब हमारे पास नहीं आएंगी वापस, तू रो मत, मैं तेरे साथ हूँ ना। दीदी आप तो मुझे माँ की तरह छोड़ के नहीं जाओगी ना? हाँ नहीं मेरे भाई, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा तेरे साथ रहूंगी। दोनों भाई बहन बहुत दुखी थे। तभी वहाँ पर खाने की थाली लेकर उनकी पड़ोसन कमला आती है और दोनों को चुप करवाते हुए कहती है, अरे हे भगवान, ये कैसा जुल्म कर दिया मोरी मैया इन दोनों मासूम बच्चों पर तूने। बच्चों खुद को संभालो और ये लो खाना खा लो, भूख लगी होगी तुमको। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी, मैंने और भाई ने दो दिन से कुछ भी नहीं खाया। हाँ मैंने भी यही सोचा, इसलिए तुम्हारे लिए खाना लेकर आ गई। अब दोनों ये खाना खा लो, कैसे कमजोर से दिख रहे हो दोनों दन्ने से बच्चे। दोनों भाई बहन बहुत भूखे थे
इसीलिए कुछ ही देर में थाली का पूरा खाना खत्म कर देते हैं। समय बीतता है, दो चार दिन तो कमला उन दोनों को अनाज समझकर दया के चलते खाना दे आती थी, लेकिन एक रोज राजू खुद ही भूख लगने पर कमला के घर पहुंच जाता है तो उसे बड़ी हैरानी होती है, लेकिन उसे वो कुछ नहीं कहती। और इस तरह एक महीने का समय गुजरता है। एक रोज जब बबली घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी तो राजू भागकर कमला के घर जा रहा था, लेकिन कमला उसे दरवाजे से ही धक्का दे देती है। अरे आंटी, आपने मुझे ऐसे धक्का क्यों दिया? मुझे चोट लग जाती तो। अरे तू क्या तेरी आरती उतारू, क्यों भागा भागा मेरे घर चला आता है तू? आंटी मुझे बहुत जोरों से भूख लगी थी, बस इसीलिए मैं आपके घर खाना खाने आ रहा था। ये क्या तेरे बाप का घर है? अरे बताओ, कुछ दिन अनाज समझकर बच्चों को खाना क्या खिला दिया? ये तो मुंह उठाकर कभी भी चले आते हैं। आंटी जी, एक छोटे बच्चे को आप ऐसे बोल रही हो, आपको शर्म नहीं आती? हाय हाय दया, देखो तो बिन माँ की बच्ची की जुबान कैसे चप्पड़ चप्पड़ चल रही है। अरे ओ, मैं कोई तेरे रिश्तेदार नहीं हूँ, और ना ही मैंने तुझसे या तेरे भाई से कोई उधार लिया है जो तुम्हारा ठेका लूं। खबरदार जो मेरे दरवाजे के आसपास दुम हिलाकर भटके भी तो। कमला के इतने कठोर शब्द सुनकर बबली और राजू को बहुत दुख होता है और दोनों अपने घर चले जाते हैं। उनको घर में कुछ खाने को भी नहीं मिलता। दोनों अपनी माँ को बहुत याद करते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह राजू गहरी नींद में सो रहा था और बबली की आँख खुल जाती है। राजू उठेगा तो भूख लगेगी उसको, मैं कब तक उसे दिलासा दूं? खाना लाने के लिए झूठ बोलूं? मुझे ही काम करना होगा। बबली काम ढूंढने के लिए घर से बाहर चली जाती है। कुछ ही देर में जब राजू की आँख खुलती है तो वो देखता है कि बबली घर में नहीं है। वो उसे इधर उधर तलाशता है और बबली के ना मिलने पर जोर जोर से रोने लगता है। लोग उसे आते जाते रोता हुआ देखते हैं, लेकिन कोई उसे चुप नहीं करवाता। कुछ देर में बबली वहाँ आती है तो राजू उसके गले से लग जाता है। दीदी दीदी, आप कहाँ चली गई थी? मैं बहुत डर गया था। राजू ऐसे नहीं रोते, मैं तो बस काम ढूंढने गई थी ताकि हमारे खाने का इंतजाम हो जाए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए कोई खाना, माँ भी ऐसे गई थी, आप भी ऐसे चली गई तो मैं कहाँ जाऊँगा। अपने भाई को ऐसे डरा और रोता देखकर बबली को बहुत दुख होता है और अब अगले दिन वो अपने भाई को लेकर शहर की ओर काम की तलाश में जाती है। कड़ी धूप में दोनों भाई बहन पैदल चल रहे थे, तभी उन्हें एक ढाबा दिखाई देता है जहाँ गर्मा गर्म तंदूरी रोटियाँ बन रही थी और राजू की नजरे वहीं टिक जाती है। बबली उस ढाबे के मालिक के पास जाती है। सुनिए, मेरा भाई बहुत भूखा है, आप उसे खाने के लिए तंदूरी रोटी और कोई सब्जी दे दीजिए। अरे हाँ हाँ, अभी देता हूँ, रोटी क्या, मैं तो चावल भी दे दूँ, बस 70 रुपए प्लेट है। पैसे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन बदले में मैं आपके ढाबे का काम कर दूंगी, बर्तन धो दूंगी, सफाई कर दूंगी, बस मेरे भाई को खाना दे दो। बबली के बहुत कहने पर और उसके छोटे भाई को देखकर ढाबे का मालिक उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद बबली ढाबे के टेबल की साफ सफाई में लग जाती है। और कुछ देर बाद वो दोनों भाई बहन तंदूरी रोटी, दाल और सब्जी खाते हैं। तंदूरी रोटी खाकर राजू बहुत खुश होता है, साथ ही बबली को भी खाना खाकर अच्छा लगता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम भाई बहनों को खाना खिलाया। अरे इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, तुमने ढाबे में साफ सफाई का काम किया, तुम्हारी मेहनत के बदले मैंने तुम्हारा पेट भरा, बस। तो क्या आप मुझे काम पर रख सकते हैं? मुझे आपसे काम के बदले कोई पैसे नहीं चाहिए, बस मेरा भाई भूखा ना रहे, वो छोटा है ना। ठीक है, मुझे भी ढाबे के काम काज के लिए कोई चाहिए था, अब तुम यही काम कर लेना और इसके बदले में मैं तुम्हें खाना दे दिया करूँगा। वो ढाबे वाला बड़प्पन दिखाते हुए दोनों भाई बहनों की मदद करता है। अगले दिन से बबली ढाबे पर मन लगाकर काम किया करती। एक रोज वो ढाबे में तंदूरी रोटी बनाते हुए बड़ी गौर से उस बावर्ची को देख रही थी। अरे कितना भी गौर से देख लो, ये तंदूरी रोटी तुम नहीं बना पाओगी, यह शादी रोटी बनाने जितना आसान नहीं है। इतनी मेहनत से बनती है तभी तो ये तंदूरी रोटी इतनी स्वादिष्ट होती है। हाँ ये बात तो तुमने सही कही, तुम जल्दी से काम खत्म कर लो, तुम्हारा भाई खाने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इस तरह बबली मेहनत से काम किया करती, साथ ही रोज तंदूरी रोटी को गौर से बनते देखती। एक रोज ढाबे पर एक दंपति
अपने बच्चे के साथ खाना खाने आते हैं। उस बच्चे ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी थी, साथ ही उसके पास बैग भी था, जिसे देखकर बबली मन ही मन सोचती है, काश मैं भी राजू को स्कूल भेज पाती तो वो भी थोड़ा पढ़ लिख जाता। ये आपके हाथ में क्या हो गया? थोड़ी चोट लग गई है, इसलिए आज ढाबे में रोटी नहीं बन पाएगी। तुम चावल के लिए पानी चढ़ा दो। नहीं मालिक, ढाबे पर आने वाले ज्यादातर लोग तंदूरी रोटी खाना ही पसंद करते हैं। ऐसे में अगर रोटी नहीं बनेगी तो कैसे काम चलेगा? अपने हाथ के चलते मैं तो रोटी नहीं बना सकता, अब जो होगा देखा जाएगा। आप कहो तो आज मैं रोटी बनाऊं? बबली ढाबे के मालिक को बार बार बोली जा रही थी और वो मान जाता है। अब बबली तंदूरी रोटी बनाने की कोशिश करती है। पहली बार में तो वो नहीं बना पाती, लेकिन चार पांच रोटी खराब करने के बाद वो आखिर में तंदूरी रोटी बना ही देती है, तो ढाबे का मालिक उसकी बहुत तारीफ करता है। अब धीरे धीरे वो ही रोज तंदूरी रोटी बनाने लगती है। उसकी इतनी मेहनत देखकर ढाबे का मालिक उन दोनों भाई बहनों को एक घर किराए पर दिलवाता है, साथ ही राजू को एक अच्छे स्कूल में भिजवाता है, जिससे वो पढ़ाई करने लगता है। और अब दोनों ही अनाथ भाई बहनों की जिंदगी पटरी पर आ जाती है।